हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। अगर आप अपने घर के लिए एक बेहतर मल्टी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप लेना चाहते हैं इडली, मोमोज, फरे, ढोकला, इन सबको बनाने के लिए एक प्रॉपर यूटेंसिल जिसको हम मल्टी कढ़ाई कहते हैं, तो यहाँ पे विनोद और नीलम की मल्टी कढ़ाई आपके सामने है। और मुझे लगता है ये इंडिया के अंदर इस समय सबसे अच्छी मल्टी कढ़ाई अफोर्ड प्राइसेस में है और साथ ही साथ काफी अच्छी क्वालिटी में है। तो आज इसका एक कंपैरेटिव रिव्यू भी कर देंगे और साथ ही साथ इसको दिवाली में लेने में क्या क्या फायदे रहेंगे आपके लिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पे दो मल्टी कढ़ाई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीलम की, फिर बात करेंगे हम विनोद की। अगर नीलम की मल्टी कढ़ाई लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाती है स्टेनलेस स्टील की लिड। ये स्टेनलेस स्टील की लिड जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर स्टीम मेंटेन रखती है, जिससे आपके इडली, मोमोज, फरे, ढोकला बहुत आसानी से बन जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके नीचे की कढ़ाई की, तो यहां पे ये प्रॉपर कढ़ाई का शेप मिलता है जिसमें बीचों बीच आपको एक ऐसी बाउंड्री जैसी देखने को मिलेगी जिसके ऊपर दो अटैचमेंट्स कोई भी लग सकते हैं। एक बार आपको ट्राई करके लगा के भी दिखा देते हैं। जैसे कि ये है छोटी इडली का अटैचमेंट जो कि रेयरली सारे मल्टी कढ़ाइयों में नहीं मिलता है, तो अगर ये अटैचमेंट आपको लगाना है तो आप इस तरीके से इजिली लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको अगर कोई दूसरा अटैचमेंट भी लगाना है तो वो इजिली आप इसमें इजिली इस तरीके से रख के फिक्स कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ऊपर से लिड भी बहुत आराम से इसमें इजीली क्लोज हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाले कुछ और अटैचमेंट्स की। जैसे कि ये वाला मल्टीपर्पज अटैचमेंट है जिसमें आप कोई भी चीज़ स्टीम कर सकते हैं, वेज, नॉन वेज, वेजिटेबल्स, और साथ ही साथ इसमें आप मोमोज और फरे भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मटेरियल ज़्यादा है और ये अटैचमेंट सिंगल है तो इसके साथ साथ आप एक ये वाला अटैचमेंट भी लगा सकते हैं जो कि ढोकले का अटैचमेंट है। यहाँ पे ढोकले के दो अटैचमेंट्स आपको मिल जाते हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों की जो क्वालिटी है स्टील की काफी बेहतर क्वालिटी दी हुई है और मैं कह सकता हूं कि नीलम की स्टील का भरोसा बहुत पुराने समय से है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है। स्टेनलेस स्टील की काफी अच्छी क्वालिटी के आपको डिनर सेट्स, प्लेट्स, थाली, हर एक चीज देती है और साथ ही साथ मल्टी कढ़ाई इसकी मैं कह सकता हूं कि सुपर हिट प्रोडक्ट है जो कि हर कोई पसंद करता है, लेना चाहता है। मगर यहाँ पे आपको ये दो अटैचमेंट्स और मिल जाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो मेन अटैचमेंट होता है जो कि हर घर की जरूरत है वो है इडली। तो इडली का साइज इसमें काफी बड़ा साइज का मिलता है, जैसे कि हम लोग बाजार में खाते हैं या हम लोग जैसे कि बाहर खाते हैं, तो ये वाला साइज आपको काफी अच्छा साइज मिल जाएगा बड़े साइज का। तो अगर बड़े साइज की इडली आप लेना चाहते हैं तो ये ऑफर हो जाती है आपके लिए मल्टी कढ़ाई में ही। तो ये नीलम की जो मल्टी कढ़ाई है इसकी इस समय की जो प्राइसिंग है वो 2900 समथिंग है, बट जो डिस्काउंटेड प्राइस दिया हुआ है अभी शायद पुराने ही रेट पे आपको मिल जाएगी, तो 1800 से लेके 2000 के बीच के आसपास में आपको रेट मिल जाएगा, जिसका अपडेटेड प्राइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां से आप डायरेक्टली इसको खरीद सकते हैं। तो यहां पे दो अटैचमेंट आपको इडली के भी मिल जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि इसको जरा साइड में रख लेते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी मल्टी कढ़ाई की जो कि ऑब्वियस ही बात है एक ऐसी कंपनी की है जो कि मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था कि ये मिनी इडली दे दें। तो ये है कि विनोद की जो मल्टी कढ़ाई आ रही है, अब यहाँ पे अगर हम साइज की बात करते हैं तो विनोद की जो कढ़ाई का साइज है वो थोड़ा सा 19-20 है, बट जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। विनोद ने कोशिश करी है कि कम से कम प्लास्टिक और बेकेलाइट का यूज किया जाए, जिसकी वजह से बहुत आसान तरीके से ये आपका डिशवॉशर में क्लीन हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले इसकी अगर लिड की बात करते हैं, जैसे इसमें लिड देखी थी इसमें इस टाइप का टॉप लगा होता है। अब मगर विनोद की बात करते हैं तो विनोद ने कोशिश किया है कि प्योर स्टेनलेस स्टील की लिड दे दी जाए, कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं हो। तो यहां पे ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ ये वाली जो मल्टी कढ़ाई की जो क्वालिटी है वो भी मेरे को टॉप क्लास लगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अगर मैं अटैचमेंट की बात करता हूं तो अटैचमेंट में विनोद का साइज बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बड़ा साइज नहीं है। बट यहां पे जैसे कि अगर मैं दोनों ही कढ़ाइयों को एक बार कंपेयर करके दिखा देना चाहता हूं तो अगर अटैचमेंट की बात करते हैं या इनके सरफेस की बात करते हैं तो देखिए अगर मैं सरफेस की बात करता हूं तो यहां पे आपको इस तरीके से दिखेगा कि विनोद के जो अटैचमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे साइज के हैं। और तो यही है कि अगर आप एक मीडियम साइज की मल्टी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो विनोद की कढ़ाई आप ले सकते हैं। अगर बिग साइज की मल्टी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो नीलम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर विनोद की बात करते हैं क्वालिटी मैं कह सकता हूं आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इन्होंने दे रखी है, डेप्थ भी ठीक ठाक दी है। तो ये है इनका मल्टीपर्पज स्टीमिंग का अटैचमेंट जिसको वही सिमिलर तरीके से आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। एक चीज और मुझे विनोद में बेहतर लगी, इसके अंदर की तरफ से कहीं भी रिपिट्स नहीं दिए हुए हैं, जैसे कि नीलम में रिपिट्स के साथ टाइट किया गया था, बहुत मजबूत रहते हैं ये वाले रिपिट्स वाले हैंडल, बट विनोद ने ये चीज नहीं दी है। मगर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने प्रॉपर तरीके से देखिए हैंडल का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना वो इतना मजबूत करने के लिए इन्होंने अलग से शीट लगा के दी है जो कि काफी अच्छी दिखती है। और अगर इसके बाद बात करते हैं इसके बाकी अटैचमेंट्स की,
जिसमें इससे पहले इस टाइप की आपको ये मिनी इडली नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे को इसको रिव्यू करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, क्योंकि प्राइसिंग भी ठीक ठाक ये ले रहे थे तो ये देना जरूरी था। तो अब ये वाला अटैचमेंट आ चुका है, तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसका भी बहुत अच्छा डिस्काउंट है। लगभग 3100 समथिंग की एमआरपी है, बट इस समय आपको लगभग 2300 के आसपास में पड़ रही है, तो काफी अच्छा डिस्काउंट है जो कि आप ले सकते हैं। और यहाँ पे विनोद में मिल जाते हैं दो ढोकले के अटैचमेंट, जिसमें एक ये है और दूसरा अटैचमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये है। अटैचमेंट की क्वालिटी, स्टील की क्वालिटी, मैं कह सकता हूँ कि जो फिनिशिंग दे रखी है विनोद ने वो आउटस्टैंडिंग है। और साथ ही साथ अगर इडली के अटैचमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इडली भी आपको बड़े साइज की मिल जाती है। अब इडली को अगर थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर दूं अगर नीलम से, हालांकि देखिए हर कंपनी अपनी तरफ से एक बेहतर देती है, तो इडली मुझे लगता है कि नीलम की थोड़ी सी बड़े साइज की है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये चीज है, बट ये है कि इडली इतने अच्छे साइजेस की दोनों में ही मिलती है, दोनों कंपनियों में ऑफर होती है, और वही सिमिलर तरीके से दोनों की यूटिलिटी है। अगर आप दो इडली बनाना चाहते हैं तो एक बार में आपकी यहाँ पे आपको मिल जाती है 7 इडली, तो मतलब ये है 14 इडली का अटैचमेंट, इसमें एक बार में मिलेंगे, दो ढोकले एक बार में आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मिनी इडली बनानी है तो मिनी इडली के भी अटैचमेंट्स आपको विनोद में मिल जाते हैं, और यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टीमर तो आपको दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं दोनों ही कढ़ाइयों में, जैसे कि ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील की मिलती है, साथ ही साथ हैंडल भी स्टील के हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हम नीलम की बात करते हैं तो ये प्योर स्टेनलेस स्टील की मिलती है, हैंडल में स्टील के ऊपर बैकलाइट लगा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर साल भर के कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से नीलम लोगों ने ज्यादा पसंद की है, और बड़े साइज की भी है। और हालांकि विनोद ने भी अब काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है दिवाली से पहले कि ये वाले अटैचमेंट आपके लिए ऐड कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि रेस में ये भी बरकरार है। तो ये है कि दोनों के ही जो बाय लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, दोनों ही मल्टी कढ़ाइयां आउटस्टैंडिंग है, बेहतर क्वालिटी की है और आपके किचन के लिए हेल्दी है। और नीचे से एक बात तो बताना ही भूल गया, ये दोनों ही कढ़ाइयां नीचे से हैवी बॉटम है, जैसे कि अगर आप विनोद देख रहे हैं तो विनोद की भी नीचे की तरफ से आपको हैवी बॉटम मिलेगी और नीलम की भी नीचे से आपको हैवी बॉटम मिलने वाली है। तो दोनों के ही बॉटम हैवी हैं, जो कि इंडक्शन कंपैटिबल हैं, हॉट प्लेट कंपैटिबल हैं, और साथ ही साथ ये इंडिया के अंदर भी, इंडिया के से ले जाके अब्रॉड भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही कढ़ाइयां काफी अच्छी प्राइसिंग में है। प्राइसिंग जानने के लिए, दिवाली ऑफर जानने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाय लिंक दे दिया है, जहां से आप जाके फटाफट इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आज खरीद लेंगे तो धनतेरस के आसपास में आपको डिलीवरी मिल सकती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस। एक बात और मैं बता दूं, बहुत जल्द दिवाली से पहले एक ऐसा डिस्काउंटेड प्राइस में एक प्रोडक्ट आने वाला है जिसका इंतजार जरूर होने वाला है। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा कुकर में लेकर आ रहा हूं जो मुझे लगता है कि इस समय वर्ल्ड का बेस्ट कुकर हो सकता है। तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि दिवाली से पहले बिल्कुल प्लान कर लीजिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खरीदनी है, कौन सी बेहतर क्वालिटी की है। हमारे वीडियोस देखिए जिसमें आपको एक डिटेल रिव्यू मिल जाएंगे, तो अपना प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग us।